इस बार वाला आपने बनाया नहीं कचौरी, मटर से कचौरी नहीं बनाया आपने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग। तो मैं फिर से एक रैंडम ब्लॉग, मतलब डेली ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। तो शायद आप सोच रहे हो कि सुबह सुबह मैं बाहर क्या कर रही हूँ। अभी फिलहाल काम तो मेरा इतना है, मैं होता नहीं है, सब मम्मी कर लेती है। एंड इसलिए मतलब मम्मी अभी गार्डन में ही थी, एंड गार्डन से ना ये देखिए, मैं अपना जो मतलब हम लोग का जो गार्डन है इस साल का विंटर सीजन का, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे मैं दिखाऊंगी, बस वो ख़त्म ना हो जाए, बस दिखाते दिखाते। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे पालक आए हैं। ये देखिए, ये सब पालक है। तो यहाँ से ना मम्मी आज पालक लेके गई है। यहाँ पे देखिए कितना छोटा छोटा बीन्स आए हैं, ये देखिए। धीरे धीरे आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ का जो भी लगाया है पापा मम्मी ने सब, ये धीरे धीरे मैं दिखाती रहूँगी। ये पूरा लगाया है, ये देखिए क्या क्या लगाया हुआ है। एंड विंटर सीजन का जो भी फ्लावर्स है ना, वो खिल के फिर ख़त्म भी हो चुकी है, तो दिखा नहीं पाई मैं। मतलब एक महीना जो मैं रूम में थी ना, उसके बाद निकल के देखा कि पूरा गार्डन का हुलिया चेंज हो चुका है। मतलब इतना सुंदर लग रहा था, क्या बताऊँ आप लोगों को, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ये देखिए, यहाँ पे ऑरेंज वाला रोज़ कितना अच्छे से खिला हुआ है, ये देखिए। तो बस अभी चलिए, हाँ शीश उठी है कि नहीं पता नहीं, शीश सोई हुई है, सोई हुई है। एंड वो मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है एंड देन अभी सोती है। घर में घुसते ही ना धीरे धीरे बात करती हूँ, धीरे धीरे सब कुछ करती हूँ ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो। चलिए जाके देखती हूँ। तो दोस्तों ये रहा वो पालक, इसको अच्छे से धो के नमक अदरक एंड लहसुन देके अच्छे से एक मिक्सचर बना डाला है हमने। एंड वो मिक्सचर ना मम्मी ने आटे के साथ अच्छे से एक मिक्स करके डो बना लिया है। तो मैंने ना पहले सोचा था कि ये ना मतलब हम लोग जो रोटी खाते हैं ना, सिंपल सा रोटी पराठा वही बनाएंगी मम्मी, बस डिफरेंस वही रहेगा कि ये ना ग्रीन कलर का होगा। लेकिन मम्मी ने इसमें ना एक अच्छा एक ट्विस्ट दे दिया है, तो वो ट्विस्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में। पहले श्री को देख के आती हूँ कि वो उठ चुकी है कि नहीं। चलिए दोस्तों, श्री अभी सो रही है, मतलब सो के ना फिर से उठ गई, फिर से सो गई। तो मेरे हाथ में अभी थोड़ा टाइम है, तो आप लोगों से बातें करके ये बता भी देती हूँ एंड दिखा भी देती हूँ। ये मम्मी बनाना स्टार्ट कर दिया है एंड इसका जो ट्विस्ट है ना, ये पता लग जाएगा आप लोगों को धीरे धीरे। तो चलिए देखते रहिए। तो दोस्तों ये रहा वो ट्विस्ट, ये देखिए कितने अच्छे से वो जो रोल किया है ना मम्मी ने, इतने अच्छे से ये यहाँ पे उभर के आया है यहाँ, तो देखने में इतना अच्छा लग रहा है, एकदम गोल गोल गोल। तो चलिए अभी इसको हम सेकेंगे एंड जल्दी जल्दी खाएंगे। चलिए ग्रीन चपाती, ग्रीन परोठा ना, पालक पराठा है, पालक पराठा शेयर कर दिया हमारे। ओ माँ तो बना है, इटा पापा को कचौरी खाना है, कचौरी पापा को मटर का कचौरी खाना है। ग्रीन कलर देख के तो कचौरी है क्या ये? इस बार वाला आपने बनाया नहीं कचौरी, मटर से कचौरी नहीं बनाया आपने। तो बने हैं तो। गुड मॉर्निंग मामा, क्या कैसे कर रख दिया है देखो ना इसको। चलो आ जाओ इधर, एक्सरसाइज भी करना है ना, थोड़ी 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 एक्सरसाइज भी कर लेते हैं हम लोग। Sacking, sacking.
अपना सुबह का हो चुका है ख़त्म एंड वो उठ चुकी है, तो मैंने सोचा था वो सो गई थी तो मैं जाकर नहा धो के आऊँगी। एंड आज ना मम्मी भी थोड़ी देर में निकल जाएंगे मार्केट के लिए, कुछ काम है। सो जाना बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा सोना बच्चा, सो जाओ, फिर से सो जाओ। मम्मा क्या देख रहे हो? तो अभी फिर से उसको सुलाना पड़ेगा, मतलब पहले दादू के गोदी में अच्छे से सो गई थी वो, तो अभी फिर से उसको सुलाकर फिर मैं जाऊंगी नहा धो के, उसके बाद आके फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। मम्मी ने सुबह सुबह ना सब लंच का जो भी प्रिपरेशन है सब कुछ कर चुकी है। अगर लेट हो जाएगा इसके लिए, अगर मम्मी को आने में लेट हो जाता है तो सिर्फ राइस ही पकाना बाकी है, तो वो मैं पका लूँगी। एंड आपको मालिश करवाना है ना मम्मा? अभी थोड़ी देर सो जाऊँ मम्मा, मैं नहा दो कहती हूँ, उसके बाद मैं आपको मालिश कराऊंगी, ठीक है? शेको फिर से सुला दिया है। पर एक तो देखो है, मैं सांभर रही थी। हाँ सब्जी बाजार टाटा टाटा टीटा टाटा ठीक है। देखो देखो इसको देखो, सो ही नहीं रही है ये तो। अभी तो क्या करूं मैं जल्दी जल्दी से नहा के आती हूँ मम्मा, उसके बाद आपको उसके बाद मालिश कराएंगे, ठीक है? आप दादा के साथ रह जाओ। दोस्तों मम्मी आ चुकी है एंड मम्मी आते आते क्या लेके आई है मैं दिखाती हूँ। ये देखिए श्री की बट्टा, तो इसमें अभी श्री आज से नहीं कल से इसमें नहाएगी। तो मम्मी आ चुकी है एंड मैंने जो राइस है वो भी मैंने पका दिया है, एकदम सब कुछ रेडी है। दोपहर का खाना पीना हो चुका है एंड उसको सुलाने में मुझे एक घंटा लग गया है, अभी वो सोई है ये देखिए। तो मैं जस्ट सुलाई हूँ उसको एंड अभी कॉल आया है कि उधर जो हम लोग जो उस दिन वैक्सीन दे के आए थे ना, तो वैक्सीन उधर ना मतलब वेट लेने का भी मतलब लेना था लेकिन वो नहीं ले पाए बिकॉज उधर मशीन जो था वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए इसके चलते वो दीदी अभी आ रही है तो फिर से उसको उठाना पड़ेगा मुझे। चलो देखते हैं, दीदी को आने दीजिए, उसके बाद क्या होता है, उसका वेट कितना है वो भी देखना है। तो फिर चलिए मिलती हूँ, दीदी आने दीजिए, उसके बाद मिलाती हूँ। इसको मैंने अभी सुलाया है, मतलब इसकी आँख देख के कोई बोल सकता है क्या इसको? ये इसको मैंने अभी सुलाया है, हाँ 5 मिनट भी नहीं हुआ है। हीश 5 मिनट भी नहीं हुआ है, वो उठ चुकी है। चलो उठाने का तो है ही नहीं कुछ, मतलब अभी तो वो उठ चुकी है, तो दीदी को आने दीजिए उसके बाद देखते हैं। तो लाइक आपने एक हफ्ता पहले लिया था ना, 4.3 था, 3। तो दोस्तों आप लोगों ने सुनाई है कि वेट
लिया गया है एंड उसकी वेट ठीक है, उसके एज के हिसाब से एकदम बराबर है। तो फिर अभी ये सुन के मतलब बहुत खुशी महसूस हो रही है, और कुछ चाहिए नहीं, बस वो ठीक रहे, बस और क्या चाहिए। तो फिर इसी खुशी नोट के साथ मैं ये ब्लॉग करती हूँ एंड आप लोगों से मिलते हो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।